सिद्धार्थ पिठानी के अंदर, तो ये तुरंत सारे राज उगलने लगेगा। और मैं आपको बता दूं, संदीप सिंह जो है ये वेट कर रहे थे, ये जब बैठे होते ना सुबह 10 बजे, ये वेट कर रहे थे किसी को भेजा जाए, और ये भेजे गए लोग हैं ये संदीप सिंह के, भाई तू मैनेज का सारा वहाँ जा करके, एम्बुलेंस का ड्राइवर, ये वो दुनिया भर के छोटे मोटे करेक्टरों को पकड़ते रोल रहे हैं, सारा नेटवर्क सामने आएगा, जितने मास्टर माइंड है व्हाट्सअप पर कॉल कर रहे हैं। और ये सोच रही है कि भाई सतीश मान सिंधे जैसा मैंने इतना बड़ा वकील कर लिया तो मैं बच जाऊँगी। अरे राम जेठमलानी जैसे बड़े बड़े वकील करके भी लोग नहीं बचे हैं, आप कहाँ से बच जाओगी। सुब्रमण्यम स्वामी का अब तक 100% का रिकॉर्ड रहा इस केस में, वो पड़े हैं 100% का रिकॉर्ड रहा। जैसे बातें सामने आ रही हैं रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स माफियाओं को लेकर, तो लोगों का सवाल ये भी है कि महाराष्ट्र पुलिस ने इसमें ड्रग्स के एंगल से क्यों जांच नहीं की। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, ड्रग्स के एंगल से जाँच होनी चाहिए। आज आपको जानकारी के लिए मैं एक्सक्लूसिव आपको जानकारी दे दूँ, उनका जो कॉल डिटेल है वो रिट्रीव किया है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने, जो डिलीट चैट थी, डिलीट चैट के अंदर उनकी चैट पाई गई जय शाह के साथ में। जय शाह एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर काम करती है, वो जय शाह से वो चैट करते वक्त क्या कहती है, वो ड्रग्स की बातें वहाँ कर रही है। वो चैट मेरे पास में है, आज आपको मैं बता देता हूँ। उसके अंदर वो 8 मार्च 2020 का चैट है रिया चक्रवर्ती का जय शाह के बीच में, उसमें वो कहती है मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, एक बार MDMA में लिया था, MDMA में एक प्रतिबंधित ड्रग्स है हिंदुस्तान के अंदर। इसके अलावा उनका एक और 100 कॉल इनके बीच में है, जिसमें 29 बार जय शाह ने रिया चक्रवर्ती को किया है, और रिया चक्रवर्ती के पास में जो कॉल आई है, रिया चक्रवर्ती ने खुद जो कॉल किया है 71 बार किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रिया चक्रवर्ती ने सबसे पहले सुशांत की डेथ के बाद सबसे पहले कॉल जय शाह को किया था 2:31 पर। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 17 अप्रैल 2020 के एक चैट में वो कहती हैं कि 4 ड्रॉप डाल करके कॉफ़ी में दे दो, ये सुशांत सिंह राजपूत के लिए बोला है, 30 से 40 मिनट तक असर दिखेगा, 17 अप्रैल 2020 का ये चैट है। अब आइए, तो इसमें क्या है कि ड्रग्स का जहाँ तक मामला है, ड्रग्स के माफिया के बारे में शेरिन जी मैं आपको ये जानकारी अपने दूसरे इंटरव्यू में दे चुका हूँ, तब तक सुसाइड की बातें चल रही थी, किसी हत्या की बात नहीं की, उसी वक्त हमने इसमें ड्रग्स का एंगल बताया था। और आपकी जानकारी के लिए और मैं आपको बात बता दूं, मुंबई पुलिस ने कहा था कि दिशा शालियान और सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन उन्होंने वो गलत जानकारी दी है। दिशा सालियान काम करती थी एक टेलीब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी के अंदर, जिसका नाम है कॉर्नरस्टोन। कॉर्नरस्टोन के जो CEO हैं वो कौन है, बंटी सचदेव। बंटी सचदेव कौन है, इनके संबंध सोहेल खान के साथ हैं, अरबाज खान के साथ में हैं, और इनकी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट है विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने, विराट कोहली का है, युवराज सिंह का है, KL राहुल का है, रविंद्र जडेजा का है, और ये सानिया मिर्जा, ये सेलिब्रिटीज़ के ब्रांड्स को मैनेज करती हैं, इनके प्रोफाइल को मैनेज करती हैं, और इनको अलग अलग कंपनियों से अगर किसी को ऐड करवानी है विराट कोहली से तो इनकी कंपनी से कांटेक्ट कीजिए। और बंटी सचदेव के बारे में सोशल मीडिया में तो यहाँ तक रिपोर्ट है, अभी जाँच होगी कि उसके जो है क्रिकेट बैटिंग यानी सट्टेबाजी में मामला है, और सट्टेबाजी की जाँच होनी चाहिए, और ये इशू मैं पहले ही उठा चुका हूँ आपके सामने। और अब शेरन जी मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, बंटी सचदेव की जो बहन है जिनका नाम है सीमा सचदेव, वो वाइफ है सोहेल खान की। आपको पता 2018 के अंदर अरबाज खान एक सट्टेबाजी के मामले में पकड़े गए थे, 2.5 करोड़ का सट्टा लगा था, उसमें अरबाज खान के ऊपर आरोप लगा था। और ये जो क्रिकेट पॉलिटिक्स और बॉलीवुड का जो ये कनेक्शन है और इसके जो सारे तार हैं वो दुबई से जुड़े हुए हैं, ये पहले ही इंटरव्यू मैंने बताया था। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ एक्सक्लूसिवली, डॉक्टर स्वामी सर तो पहले दिन से बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्यारा हिंदुस्तान पहला चैनल है सारा, ये जितने भी भारत के अंदर चैनल चल रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के हैं और चाहे वो मेन मीडिया के, पहला है, सबसे पहले दुबई कनेक्शन को आपके चैनल पे एक्सपोज किया गया, सबसे पहले रिया चक्रवर्ती की कंपनियों की डिटेल को आपके चैनल पे एक्सपोज किया गया, सबसे पहले जो है ड्रग्स के मामले को आपके चैनल पे एक्सपोज किया गया, आप सबसे आगे हैं। ये तो अब जब चला रहे हैं, जब पब्लिक का दबाव बना है, हमने तो पब्लिक का दबाव नहीं था, उसी वक्त से हमने कहना स्टार्ट कर दिया था। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसकी अब जांच करेगा, ये स्पेशल एजेंसी होती है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, तो उसकी बैठक आज हो चुकी है, अब उसकी जांच होगी वहाँ ड्रग्स का माफिया बॉलीवुड के अंदर। और आपको मैं बता दूं, करण जौहर की पिछले साल पर करण जौहर की पार्टी में विक्की कौशल वगैरह ड्रग्स लिए हुए थे, उस पर मनिंदरजीत सिंह सिरसाणा ने FIR करवाई थी, उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रणवीर कपूर जैसे लोग थे उसके अंदर, वो ड्रग्स की पार्टियाँ होती हैं वहाँ बॉम्बे के अंदर। मैं कितनी बार आपके सामने इस बात की चर्चा कर चुका हूँ। और शरण जी मैं आपको एक बात और बता दूँ, संदीप सिंह का नाम आ रहा ना, संदीप सिंह के बारे में, संदीप सिंह आपको बता दूँ एक और एक्सक्लूसिव जानकारी, अप्रैल 2018 के अंदर एक यौन शोषण के मामले, माइनर यौन शोषण के मामले में मॉरिशस के अंदर उन पर आरोप लगा था, और उनको जो है पुलिस ने डिटेन भी किया था, मॉरिशस की बात बता रहा हूँ,
उन पर लग चुका है आरोप। और ये जो संदीप सिंह नाम का कैरेक्टर है ये इतना संदिग्ध है कि इसकी जो CDR आई है, कॉल डिटेल्स आई हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें खुल रही हैं। अब ये इतना बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट नेटवर्क की बात करता हूँ, मैं छोटी मोटी मछलियों की सैरनजी पहले दिन से बात नहीं करता, क्योंकि छोटी मोटी मछलियों पे और आपको एक बात बता दूं, मैंने पिछले इंटरव्यू में आपसे क्या कहा था कि महाराष्ट्र की सरकार किसका इलाज करना चाहती है, अर्णब गोस्वामी का। अभी इसी इतवार को अर्णब गोस्वामी ने अपने चैनल पर खुलासा किया है कि महाराष्ट्र के दो सर्वश्रेष्ठ नेताओं के बीच में, जो हाईएस्ट मोस्ट सीनियर नेताओं के बीच में कॉल हुई है 22 मिनट की, शाम को 5 से 8 बजे के बीच। कॉल किस पे हुई है? VOIP, वॉइस ओवर IP, यानी कि वो इंटरनेट के थ्रू कॉल हुई है ताकि रिकॉर्ड पे ना जाए। उसके अंदर उन्होंने क्या बोला है कि अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक चैनल पे कोई केस लगा दूँ, कैसे मैनेज करेंगे, मीडिया में बहुत उठ चुका है, अब इसको कैसे मैनेज करें। मैंने आपको बताया था उसके बाद में एक कॉल वहाँ पर गई है कि अर्णब गोस्वामी का इलाज करना चाहते हैं और वो उसके केसों को निकाल रहे हैं, और ये भी आपको पहली जानकारी दी थी। अब जितने लोगों की मैंने ये भी आपको सेरन जी एक और नई बात बता दूं कि नार्को टेस्ट की हमने बात की है, पहले दिन ही की थी, फर्स्ट डे ही हमने की थी। कर लीजिए आप जितनी ताकत लगानी है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है CBI, वो जो मामले दुबई से जुड़े हुए हैं उन मामलों के लिए हम पहले दिन से डिमांड कर रहे हैं कि NIA की जाँच होनी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी सर पहले आदमी है जिन्होंने CBI, NIA और ED की जाँच की मांग की थी। और आज आपको बता दूँ, ये जो चैट मैंने आपको दिखाई है ना, ये चैट पता किसने रिट्रीव करवाई है? ED ने रिट्रीव करवाई है, और ED ने ये जानकारी दी है CBI को। और शेरन जी इतना ही नहीं है, आपको बता दूं, सुब्रमण्यम स्वामी सर ने तो पहले दिन हत्या बता दिया था, और मैंने 27 जून को पहली हत्या बता दिया, मैंने तो माना ही नहीं उसे कभी भी सुसाइड, एक भी इंटरव्यू में एक सेकेंड के लिए नहीं माना, और अभी भी नहीं मानते हम उसको। लेकिन एक देश का बहुत बड़ा चैनल है जो अभी भी सुसाइड बता रहा, उसको सर्वश्रेष्ठ कहता वो चैनल अपने आप को, उसका जो नंबर वन क्राइम रिपोर्टर है वो अब भी उसको सुसाइड की थ्योरी के आधार पर बात कर रहा है। लेकिन एम्स की टीम क्या कह रही है, सुधीर गुप्ता साहब की, उन्होंने कहा है कि इसका होमिसाइड यानी कि इसका मर्डर के आधार पर इसकी जांच की जानी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब जब CBI इसमें जांच कर रही है ना शेरन जी, तो एक सॉन्ग था कि 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, और जुल्मी मेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। तो अब जितने भी ये लोग वहाँ बैठे हुए हैं ना, उन पर अपनी जान बचाना भारी है। वैसे तो कई सवालों के जवाब मिलने बहुत मुश्किल हैं, अब पता नहीं उनके जवाब मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। ये AU कौन है, इसका जवाब मिलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे कई सवालों के जवाब है जो अभी CBI को खोजने, आज मैं आपको पहले ही बता के जा रहा हूँ, CBI अब इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। हाँ बताइए सर, यहाँ पे ये सवाल भी है ना कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, आपने जैसे कि कहा कि नार्को टेस्ट की जो है वो टीम अलग जांच कर रही है, ईडी अलग जांच कर रही है, CBI अलग जांच कर रही है, हर तथ्य से अब CBI, हर तथ्य से अब सुशांत सिंह राजपूत की थ्योरी की जाँच की जा रही है, तो कितना अब कितने करीब हैं हम उन कातिलों के जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये सब किया है, उन्हें हत्या को मतलब उन्हें मौत की घात उतारा है। आप करीब की बात कर रही हैं, अंकित आचार्य और गणेश इन दोनों ने आज ट्वीट लिख करके ना सिक्योरिटी की मांग की है, उनको धमकी आ रही है, आपको आज आपको बता देता हूँ। उन्होंने पता कितने लोगों को टैग किया, उन्होंने योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी से लेकर के अर्णब गोस्वामी सबको टैग मारा है, उनको सिक्योरिटी की जरूरत। सुब्रमण्यम स्वामी सर ने पहले कह दिया किसी को सिक्योरिटी की जरूरत है वो हमसे कॉन्टैक्ट करे। और मैं अभी आपने जो सवाल किया है, मामला यहाँ है कि कितने करीब है कातिलों के, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब तक नार्को टेस्ट नहीं होगा तब तक कोई भी ऐसा वैसा आदमी फंसाया जा सकता है। पिछले इंटरव्यू में बता चुका हूँ, और आपको बता दूँ, मनार्को टेस्ट दो तरह का नार्को टेस्ट होता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और पॉलीग्राफ मशीन का टेस्ट। तो अगर आप पॉलीग्राफ मशीन वाला टेस्ट करते हो तो इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है CBI के स्पेशल कोर्ट से। तो उसके लिए CBI के स्पेशल कोर्ट में मैं चाहता हूँ कि CBI अर्जी दे दे उसके लिए, और नार्को टेस्ट के लिए इनको जो है रेडी करे। लेकिन CBI घेरा बना रही है, घेरा क्या बना रही है, इन सब लोगों को एक साथ बैठा करके पूछताछ कर रही है ताकि रिया चक्रवर्ती भागने का मौका ना रहे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के तुरंत बाद हुए अरेस्ट करने की प्लानिंग है CBI की। ये मुझे मेरे सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन है। और आपको मैं और बता दूं, इसमें जहां तक बात है कि देखिए रिपब्लिक चैनल और टाइम्स नाउ पे किसी का ध्यान नहीं है इस समय पर, लेकिन टाइम्स नाउ जिस तरीके के रेवलेशन और जिस तरीके से वो एक्सपोज कर रहे चीज़ों को, राहुल शिवशंकर इंडिया के मोस्ट जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं जो टाइम्स नाउ के, और उनके जो उनका काम करने का तरीका मोस्ट जेन्युइन तरीका है। लेकिन अर्णब गोस्वामी जी ने जर्नलिज्म का एक नया ही तरीका निकाल करके सारी पब्लिक के सामने दिखा दिया है। और लेकिन अब मसला ये है कि अर्णब गोस्वामी का पता है क्या हो रहा है, वहाँ के मुंबई के पुलिस कमिश्नर और वहाँ के चीफ मिनिस्टर और वहाँ के गृहमंत्री क्या कर रहे हैं अभी, अब ये सारे मिल करके ना पुलिस वाले रिपब्लिक चैनल के ऑफिस पर भी खड़े हैं, और उनके कॉल भी रिकॉर्ड उनके टैप किए जा रहे हैं, कौन किसके, अर्णब गोस्वामी के। और आपको मैं बता दूँ, उन पर पूरी मॉनिटरिंग रखी जा रही है, और ये सारा जो गेम चल रहा है ना वहाँ पे,
रिपब्लिक चैनल को और उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, आपको मैं बता देता हूँ। लेकिन भारत की जनता अब खड़ी हो चुकी है और दुनिया की कोई ताकत किसी इनकी आवाज़ नहीं दबने देगी। सुब्रमण्यम स्वामी सर ने तो कह दिया कि अब तो जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक मैं इस केस के अंदर हूँ। पहले उन्होंने बोला था कि जब तक सीबीआई नहीं हो जाती तब तक मैं इस केस के अंदर हूँ, क्योंकि वो मोस्ट बिजी पर्सन है। लेकिन अब मैं व्यूअर्स आपको कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना हमें प्रेम दिया है, और आपको मैं बता दूँ आप ही लोगों को के द्वारा मिल रहा सपोर्ट के कारण ही 4 अगस्त को मैंने सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई ईडी और एनआईए की जांच हो इसके लिए मेल किया था, और डॉक्टर स्वामी सर ने पहले ही पीएमओ को कर दिया था। आपकी एक एक बात को हम वहां तक पहुंचाने में और जहां तक हो सकता है उसको हम आगे लाने में पूरा प्रयास कर रहे हैं। आईपी एड्रेस की डिटेल हम यहां दिखा चुके हैं, वो बात अलग है कि जो है हम अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम अपने सोर्सेज से कर रहे हैं। हम कोई इन चैनलों की तरह नहीं है चोरी को रख कर करके दूसरे की इन्फॉर्मेशन को और वहाँ एक्सक्लूसिव बताते फिरते हैं, हम उन लोगों में से नहीं है। यहाँ टाइम और डेट होती है पर अहमद दोस्तान के किस दिन यहाँ पे वीडियो पब्लिश हुआ है। और एक सवाल आप लोगों ने मेरे से पूछा था नीट और जी के लिए, तो डॉक्टर स्वामी सर हम आपकी चिंता करते हैं, इसलिए डॉक्टर स्वामी सर ने तो लेटर लिख दिया पीएमओ को। खुद मैं भी अब इस विषय में, क्योंकि शिक्षा मंत्री से बात कर लिए, उसमें मैं खुद भी जो है पीएमओ को जो है बात पहुंचाऊंगा, उसके लिए लेटर भी लिखेंगे, मेल भी लिखेंगे, और आपकी बात को नीट और जी को आप चिंता मत कीजिए, इस साल नहीं होने देंगे, टेंशन मत लीजिए। आपने अगर पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कहा, तो पीएम नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से ड्रग्स माफिया का नाम सामने आ रहा है, तो कंगना रनौत ने भी कहा है कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी को उन्होंने चिट्ठी लिखी और कहा है कि जो ड्रग्स का मामला सामने आ रहा है इस एंगल से भी इसमें जाँच होनी चाहिए। और काफी सारे लोगों का इसमें यह भी कहना है कि मुंबई पुलिस ने जो जाँच की है उसमें ऐसे ऐसे लोगों से भी पूछताछ की है जो कि गैर जरूरी थे, उन लोगों को भी शामिल किया गया इस जांच में। ऐसा है ना शेरिन जी, इसमें इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं कि जब ये सारा मामला चल रहा है ना, तो दुबई के लिंक आ रहे हैं इसके अंदर, और दुबई से जो कॉल आए हैं उनकी जांच होनी। आज आपको एक नई बात बता दूं कि 13 अप्रैल 2015 को रिया चक्रवर्ती दुबई के अंदर एक फैशन के कार्यक्रम में गई थी यामी गौतम के साथ में। बॉलीवुड करी नाम के चैनल पे उनका वो वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें रिया चक्रवर्ती बैंक चोर नाम की फिल्म के लिए प्रमोशन की बात कर रही है और कहती है कि मुझे दुबई के जो ईयरिंग्स उन्होंने पहने हुए थे कि ये मैं जो है मुझे दुबई वाले पसंद हैं, जा करके देख लीजिए, हो सकता है वो हटा दे लेकिन हमने डाउनलोड करके रख लिया है। अब आपको बता दूँ मैं कि दुबई के लिंक्स की हमने बात करी है तो बहुत बड़ा नेटवर्क ड्रग्स का कहाँ से चलता है ये पता आपको? मोमबासा केन्या के अंदर रहते हैं विकी गोस्वामी, पहले दाऊद इब्राहिम के साथ काम करते थे, ममता कुलकर्णी के हस्बैंड है, ठीक है, ये हमने पहले इंटरव्यू में बताया, लेकिन मैं फिर से इसको जिक्र कर देता हूँ इस चीज़ का। 2000 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए थे बॉम्बे के अंदर 2016 में, और ममता कुलकर्णी का एबीपी न्यूज़ के एक पत्रकार इंटरव्यू लेकर के आई थी। 2000 करोड़ का बहुत बड़ा मामला, और यूएस का जो अब तक का सबसे बड़ा ड्रग रैकेट पकड़ा गया है ना, उसमें भी विकी गोस्वामी का नाम था, जो कि ममता कुलकर्णी के हस्बैंड है, मोमबासा केन्या से नेटवर्क चलाते हैं। और दाऊद इब्राहिम का भी पता क्या काम था सबसे ज़्यादा जो डी कंपनी का, वो भी ड्रग्स का काम था। तो ड्रग्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है, छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है, और ये सारा दुबई से संचालित है। हम पहले दिन से ही बात कर रहे हैं इसके दुबई के एंगल की। अब ये चैनल तो अभी ये केस आ गया सुशांत का, इसलिए ये कर रहे हैं। हम तो ये केस नहीं भी है, जब तक ये सुसाइड की बात चल रही थी उसी दिन से इस बात को उठाते आ रहे हैं, इसलिए इसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूरी नज़र बनाए हुए है। और आप इसकी चिंता मत कीजिए, सिर्फ ड्रग्स का ही नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले भी हैं और कास्टिंग काउच के मामले भी हैं। वहाँ एक मसला नहीं है, कभी आप समझ रहे हो मुंबई की जो पूरी काली दुनिया है ना, वहाँ जो अंधेरी दुनिया है उसके अंदर क्या क्या किया जाता है, कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं, उनके पीछे पीछे कैसे कैसे लोगों के हाथ हैं, ये पूरा नेक्सस है। इसमें सट्टेबाजी, प्रोस्टिट्यूशन एंड ड्रग्स हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ सेम नेटवर्क, इट इज़ द पार्ट ऑफ सेम नेटवर्क, यू कैन नॉट यू नो एक्सकलरेट ऑल दीज थिंग्स। तो इनको आपको एक ही उसमें डायमेंशन में देखना पड़ेगा, इनको अलग अलग नहीं देख सकते। लेकिन सीबीआई के लिए बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो वहाँ गई हुई है, जो 15 लोगों उसके अंदर अलग अलग टीम बात कर रही है। अब पता है वो जो बैंक वालों के पास जा रहे हैं वो सहयोग नहीं कर रहे, ये सब चीज़ें, ये पता है लफड़ा क्या हो रहा है, ये कोटेक महिंद्रा सेंद्रा जो भी हैं, ये जो है ना वहाँ मुंबई में जो सरकार बैठी हुई है ना वहाँ पे, उन लोगों के इंस्ट्रक्शन पे काम चल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ इनकी जो है कॉल डिटेल निकाल लीजिए, पुलिस वालों की भी निकाल लीजिए, आपको पता लग जाएगा। लेकिन वे बेचारे नौकरी कर रहे हैं, पुलिस वाले नौकरी कर रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे ना, सीएम ऑफिस से आ रही थी, पहले बता चुका हूँ आपको। और परमवीर सिंह है, अरे परमवीर सिंह साहब आप तो मतलब क्या बात कर रहे हैं, पूरे जीवन में इतना अच्छा काम किया है, फरीदाबाद के रहने वाले, बल्लभगढ़ से आगे इनका गांव पड़ता है, गुजर कम्युनिटी के जो पर्सन है, अरे क्या चीज़ है। अरे सर, आपने भी ये बात कही कि जिस तरीके का मुंबई पुलिस का रवैया रहा है वो सब इसीलिए रहा है क्योंकि उनके ऊपर राजनीतिक दबाव बना गया है। अब यहाँ पे लोगों की तरफ से सवाल ये भी है कि जिस तरीके का रवैया ये महाराष्ट्र सरकार अपना रही है, ये किन को बचा रही है, क्या ये ड्रग्स माफियाओं को बचा रही है या फिर इन्हीं की पार्टी के कुछ लोग शामिल हैं? और कंगना रनौत ने तो आज कह भी दिया कि जैसे
ऐसे ही नए नए पत्ते आगे खुल के आएंगे, इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल होने वाले हैं। तो क्या उन्हीं लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है ये महाराष्ट्र सरकार, और उसके बाद ये अपना छापा साफ करते हैं और ये बोलते हैं कि विपक्षी पार्टी के नेताओं को आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं। पर साफ बात यह है जो जनता कह रही है कि किसी ना किसी को बचाने की कोशिश कर रही है महाराष्ट्र सरकार, वो ड्रग्स माफिया भी हो सकते हैं। किसी ना किसी को नहीं, बहुत सारे लोगों को। शरण जी, जो अभी आपने बात कही है ना, एकदम 100% राइट कही है, किसी ना किसी को नहीं, कम से कम 150-200 लोग मिनिमम। 2018 की पार्टी याद है, रेप पार्टी जिसके अंदर शक्ति कपूर का बेटा था। 2018 की पार्टी याद है, करण जौहर की, जिसके अंदर विकी कौशल जैसे लोग हुए थे। बहुत सारे लोग हैं इसमें, एक पर्सन नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग के भी केस हैं, लेकिन अभी फिलहाल ड्रग्स की बात चल रही है। ड्रग्स की बात चल रही है तो जो मरीजवाना है, MDMA के नाम का ड्रग्स है, और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं, सिर्फ ये नहीं है। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। अगर इन्होंने नाम उगलने शुरू किए और इन्होंने जो उस नेटवर्क का नाम बताना स्टार्ट किया, हम पहले दिन से कह रहे थे रिया चक्रवर्ती, संदीप सिंह तो बहुत छोटे लोग हैं, इसके पीछे का जो नेटवर्क है उसका वो कीजिए। ये भारत के जो इतिहास में बहुत बड़ा केस है, सुशांत सिंह राजपूत माइलस्टोन केस है। ये एक केस मुंबई के पूरे उस काले बाजार को निकालेगा। आपको याद है 90 के दशक में कितना अंडरवर्ल्ड का जोर था मुंबई के अंदर उस समय पर, और धीरे धीरे फिर वो शिवसेना ने ही कम किया था। उसमें बाला साहब ठाकरे जो सुप्रीमो थे, वो तो अपनी पार्टी का कोई पद भी नहीं लिया करते थे। नारायण राणे चीफ मिनिस्टर बने थे, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े बड़े नाम ले रहे हैं। और आपको बता दूं मनोहर जोशी थे, लेकिन वो जो पूरा नेटवर्क था वहाँ पर, वो बॉलीवुड की जो फिल्में हैं वहाँ पर, वो पता, बैंक चोर फिल्म के अंदर रिया चक्रवर्ती कह रही है कि मैं अर्णव गोस्वामी जैसा बनना चाहती हूँ। जर्नलिस्ट का रोल किया आप ही की तरह, जैसे आप जर्नलिस्ट हैं ना, ऐसे रोल किया बैंक चोर फिल्म के अंदर, लेकिन वो फिल्म चली थोड़ी थी। तो अर्णव गोस्वामी जैसा बनना चाहती हैं, अर्णव गोस्वामी तो इस देश की किस्मत है कि मीडिया के अंदर अर्णव गोस्वामी, बॉलीवुड के अंदर कंगना रनौत, राजनीति के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी, और सोशल मीडिया के अंदर प्यारा हिंदुस्तान और शरण जी आप। और मैं बताऊं आपको एक चीज़, और पब्लिक व्यू, मैं आपको क्रेडिट देना नहीं भूल सकता, व्यूवर्स आप तो पहले नंबर पे हैं, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, मीडिया ने तो दबा दिया था शरण जी, ये कहां से, ये तो आपने बताओ कब दबने दिया है। मुझे तो याद है कि आपने एक सिंगल डे नहीं किया जब आपने इस पर इंटरव्यू नहीं किया, बताइए आप। मीडिया ने तो दबा दिया, मैं इसलिए तो आपको पहले, सबसे पहले क्रेडिट आपको देता हूं और व्यूवर्स को देता हूं, व्यूवर्स देखने वाले और आप चलाने वाले, बताइए कौन है। और मैं बता दूं मीडिया में ऐसे ऐसे ये जो सारा खेल है, अब देखिए मैं बताऊं आपको सबसे बड़ी बात कि बड़े लोगों पे हाथ डालें ये लोग, ये ऐसा काम मैंने पहले ही बता चुका हूं कि पब्लिक सुब्रमण्यम स्वामी को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाए इस केस के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जाँच होनी चाहिए और नार्को टेस्ट होना चाहिए। मैं आपको बता दिया, बगैर नार्को टेस्ट, अभी सीबीआई फाइल करने वाली है, मेरी बात याद रखना, सीबीआई अब सीबीआई कोर्ट को फाइल करने वाली है कि हमें नार्को टेस्ट की अनुमति दे दीजिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट की दे दीजिए, लेकिन नार्को टेस्ट में भी पॉलीग्राफ टेस्ट चाहिए हमको, पॉलीग्राफ मशीन वाला टेस्ट, हमको ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं चाहिए, ब्रेन मैपिंग टेस्ट की जो एक्यूरेसी नहीं होती इतनी, पॉलीग्राफ टेस्ट चाहिए हमको। और हम आपको बता दें शरण जी, चिंता मत कीजिए, अब तो आप ऐसी जगह पर पहुँच चुकी हैं, आपने इतिहास रच दिया है प्यारा हिंदुस्तान ने, व्यूवर्स आपने भी इतिहास रच दिया है, आपने पूरी उस काली दुनिया को एक्सपोज करके रख दिया है। और आपको पता, रिया चक्रवर्ती तो आर भारत देख रही थी वो अपने घर के अंदर, और इनकी जो नींद उड़ी हुई है ना, ये सोच रहे थे सीबीआई को पेश नहीं होंगी, ईडी को पेश नहीं होंगी, और फिर भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अरे भैया, बिगाड़ने की बात तो ऐसी है कि आप लोगों का जितना बिगड़ना, आपका तो बिगड़ेगा ही, और जो आपके पीछे चोर की माँ, देखो एक कहावत है हिंदुस्तान के अंदर, चोर को मत पकड़ो, चोर की माँ को पकड़ो। तो भैया, चोर की माँ जो है ना, दुबई से लेके यहाँ तक बहुत बड़ा नेटवर्क है, वहाँ तक पहुँचने के लिए इंटरपोल की मदद लेनी पड़ेगी, रॉ की मदद लेनी पड़ेगी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो पीएमओ को रिपोर्ट करता है, सीबीआई भी पीएमओ को रिपोर्ट करती है, और आपकी जानकारी की बता दूँ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है, और ईडी फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है, यानी भारत सरकार का पूरा तंत्र, और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट इसमें हमले में मॉनिटरिंग कर रहा है। आप बताओ कहाँ से बचोगे, लगाओ ताकत कहाँ लगानी, आपने सारी सेटिंग कर रखी थी मुंबई के अंदर, और वो जो सारी सेटिंग है ना, पॉलिटिक्स बॉलीवुड और क्रिकेट का घाल में लिए, सारा सामने आ चुका है। और आपको बता दूं, मैं आज मैंने मंटी सचदेव का नाम लिया था, पता अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की मुलाकात इसी कंपनी के माध्यम से हुई है, और जितना भी जो उसका सारा का सारा मैनेजमेंट यही कंपनी देखती, इसी में दिशा सालियान काम करती थी। बताओ, जिस कंपनी में दिशा सालियान काम करती थी, उस कंपनी वालों ने उसकी जाँच की मांग ही नहीं की। और जहाँ तक पोस्टमार्टम और ये सारे, उसमें तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ, इतने चैनलों पे इतना चला हुआ है कि मैं उसको दोबारा से दोहरा करके मैं क्या करूँगा, रोज़ देख रहे हो आप लोग, मैं तो नई इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको, कुछ अलग से बता दूँ। और दूसरी जहाँ तक बात है,
अब आप चिंता मत कीजिए और मेरे शब्दों को आज याद रखना आप, नार्को टेस्ट जैसे ही होगा ना तो ये लोग सिद्धार्थ पिठानी के अंदर तो ये तुरंत सारे राज उगलने लगेगा। और मैं आपको बता दूँ, संदीप सिंह जो है ये वेट कर रहे थे, ये जब बैठे होते ना सुबह 10 बजे, ये वेट कर रहे थे किसी को भेजा जाए, और ये भेजे गए लोग हैं ये संदीप सिंह के, भाई तू मैनेज कर सारा का सारा वहाँ जा करके, एम्बुलेंस का ड्राइवर ये वो, दुनिया भर के छोटे मोटे करेक्टरों को पकड़ते रोल रहे हैं, सारा नेटवर्क सामने आएगा, जितने मास्टरमाइंड है व्हाट्सअप पे कॉल कर रहे हैं और ये सोच रही है कि भाई सतीश मान सिंधे जैसा मैंने इतना बड़ा वकील कर लिया तो मैं बच जाऊँगी। अरे राम जेठमलानी जैसे बड़े बड़े वकील करके भी लोग नहीं बचे हैं, आप कहाँ से बच जाओगी। सुब्रमण्यम स्वामी का अब तक 100% का रिकॉर्ड रहा जिस केस में वो पड़े हैं, 100% का रिकॉर्ड रहा है। और मैं बता दूं मेरा भी रिकॉर्ड 100% का ही है, पानीपत फिल्म के मामले में भी जो है मैंने सेंसर बोर्ड को भी मेल लिखी थी और आशुतोष गोवारीकर को मेल लिखी थी, वो मेल मेरे पास में है। और ये जो 6 दिसंबर को थी शेरिन जी, और 7 दिन के अंदर ही सफलता मिल गई, और वो 11 मिनट की जो विवादास्पद क्लिप पानीपत फिल्म के अंदर थी, जो महाराजा सूरजमल जो जाट महाराजा थे उनके बारे में थी और पूरी जाट कम्युनिटी आंदोलन कर रही थी उसमें हमने लीड लेकर के काम किया था, ये मेल मेरे पास में आशुतोष जी को लिखी है, आशुतोष गोवारीकर को। और इसकी जो डेट है वो जो है 11 तारीख की है और ये सारे सीन काट दिए गए थे और हमको सफलता मिल गई। आपको मैं बता दूं, हमने 7 दिन के अंदर सेंसर बोर्ड को झुका दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक बात है मी टू के मामले में भी, खुद मैंने जो है अब फाइनल बात आपको बता देता हूँ, मी टू के मामले में भी जो है मैंने मुंबई पुलिस को RTI लगा रखी है उसकी कॉपी लेने के लिए, हालांकि वो RTI की कॉपी वो कॉपी FIR की जो कॉपी है जिसमें नाना पाटेकर का नाम नहीं है, जिसमें तनुश्री दत्ता ने आरोप लगाया था, लेकिन अब ये झूठी सारी चीज़ें चल रही हैं, सच्ची चीज़ तो चलने नहीं देते। अब फाइनली तो यही है कि जो है शेरिन जी, अब इस मामले में आप चिंता मत कीजिए, जितनी भी इसमें नई चीज़ें आती रहेंगी हम एक्सक्लूसिव खुलासे पहले यहाँ करते रहेंगे। और ये चैनल वाले भैया खूब चोरी करके दिखाया करो, लेकिन एक्सक्लूसिव मत बताया करो, ठीक है, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मंजीत सिंह सर, और सर ने जिस तरीके की बातें कही कि जितने भी कल्प्रिट हैं वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि सभी जानते हैं कि आखिरकार कल्प्रिट कौन है, और जितनी भी महाराष्ट्र की सरकार हो या फिर वहाँ की जो पुलिस है वो कितना भी किसी को बचाने की कोशिश कर ले, आखिरकार अब सच सामने आ ही जाएगा और जितने भी लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।